दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनका होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, जैसे दिन का होना, रात का होना, मौसम बदलना, बारिश का होना, बादलों का बनना और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो बहुत ही आवश्यक है। हम इन घटनाओं में से लगभग सभी के कारण जानते हैं कि ये कैसे होती हैं, पर हमारी प्रकृति बहुत बड़ी, विशाल और अनोखी है और हमारी धरती पर आज भी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और वह घटनाएं बहुत ही अद्भुत और अनोखी है जिनके बारे में आज तक किसी को पूरी जानकारी नहीं है कि वह कैसे होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो अभी तक रहस्यमय है। डेथ वैली नेशनल पार्क उत्तरी अमेरिका का यह सबसे सूखा इलाका है और यहाँ पर मौजूद है रेस्ट्रेक प्लाया, जहाँ पर दुनिया की एक अद्भुत प्राकृतिक घटना होती है। रेस्ट्रेक प्लाया एक तालाब का सूखा ताल है जो लगभग पूरे साल तक सूखा रहता है। ये एरिया बिल्कुल समतल है और ना ही इसमें कोई हरियाली है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर पत्थर अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और ना ही इनको कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। हालांकि इन पत्थरों को छलते हुए किसी ने नहीं देखा, पर इन पत्थरों के पीछे घसीटने के निशान इनके छलने के सबूत है। कुछ पत्थरों के पीछे तो घसीटने के निशान कई किलोमीटर दूर तक है। इस घटना के पीछे जानवरों और इंसानों का हाथ होने से इसलिए भी मना किया जाता है क्योंकि पत्थरों के पीछे सिर्फ घसीटने के निशान हैं, उसके अलावा और कोई भी निशान नहीं है। अब ऐसे में यदि इन पत्थरों को कोई हिला नहीं रहा तो ये पत्थर अपने आप कैसे चल रहे हैं? यह सवाल कई सालों तक लोगों को परेशान कर रहा है। इस घटना के पीछे कई स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है, लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण इस घटना को पूरी तरह से समझा नहीं पाया। 2013 में एक वैज्ञानिकों के दल ने कुछ पत्थरों पर GPRS टैग लगाया और टाइम लाइफ वीडियो के द्वारा इस घटना को कैद करने की कोशिश की और उन्होंने पाया कि इस इलाके में होने वाली हल्की बारिश और ठंड के दौरान जमीन पर एक पतली बर्फ की परत बन जाती है और जब बर्फ पिघलती है तो पत्थर इसके ऊपर फिसलते हैं। हवा के द्वारा और तेज हवाओं के भाप पत्थरों की फिसलन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इस परीक्षण में छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बड़े पत्थर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। इस बात का जवाब अभी तक नहीं खोज पाए, इसलिए यह जगह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह। दोस्तों, आपको इस जगह के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।